हाय मैनू कर दे दिल से जुदा तू वे, कह दे कि दसेगी पूछेगा खुदा जो वे। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट बी पराग के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी बी पराग के बहुत ही बड़े वाले फैन हैं और इनके गानों का काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो, तो आपको बता दें कि बी पराग का जो है आपको बहुत ही जल्द आपको एक नया गाना देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बी पराग का कौन सा आपको नया गाना देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं दोस्तों इनके इस गाने का क्या नाम होने वाला है और आपको ये गाना अब देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बी पराग ने जो है अपने ऑफिशियली इंस्टाग्राम अकाउंट से एक नया सॉन्ग का पोस्टर शेयर करते हुए अपने नए सॉन्ग का अनाउंसमेंट कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बी पराग का जो है इस नए सॉन्ग का जो नाम होने वाला है दूरियां। तो दोस्तों, आपने बी पराग के तो बाकी सारे गाने काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे, क्योंकि दोस्तों इनके जो गाने हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं, इनके फैंस काफ़ी ज़्यादा इनको प्यार करते हैं, इनके गानों को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये दूरिया सॉन्ग जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। दोस्तों, जितने भी रोमांटिक सॉन्ग्स है इनका जो सबसे बड़ा वाला ये सॉन्ग होने वाला है। तो दोस्तों, बी पराग का जो ये दूरियां सॉन्ग है काफ़ी जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि बी पराग के साथ आपको इस गाने में अफसाना खान दोबारा देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी बेहतरीन सिंगर है। दोस्तों, आपको बता दें कि बी पराग का ये गाना आपको जनवरी के लास्ट वीक में देखने को मिलने वाला है, यानी दोस्तों आपको 24-25 जनवरी को ये गाना देखने को मिल जाएगा। तो अगर बी पराग के गानों का आप काफ़ी ज़्यादा वेट करते हो तो आपके लिए बस अब इंतज़ार ख़त्म होने ही वाला है, क्योंकि बी पराग का जो है नया गाना बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, ये दूरिया गाना में आपको बी पराग का दोबारा आपको आवाज़ सुनने को मिलेगा और साथ ही साथ अफसाना खान का भी आवाज़ सुनने को मिलने वाला है। दोस्तों, बी पराग के जो है काफ़ी सारे गाने हिट होते हैं। दोस्तों, सारे ही गाने हिट होते हैं। दोस्तों, इनके गानों को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, फैंस इनके गानों का काफ़ी ज़्यादा वेट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस गाने को भी जो लिखा है जानी ने, दोस्तों जानी जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर में से एक है। दोस्तों, इनके गाने काफ़ी ज़्यादा हिट होते हैं। दोस्तों, लोग इनके गानों के लिरिक्स को काफ़ी ज़्यादा अपना पसंद करते हैं और प्यार देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जानी के जो है ज़्यादातर गाने बी पराग ही गाते हैं। तो दोस्तों, दूरियां सॉन्ग भी जो है जानी ने ही लिखा है और बी पराग जी इस गाने को गाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो गाना है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो है एक रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है और साथ ही साथ रोमांटिक के साथ आपको इसमें थोड़ी सैड इमोशंस भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि एक आपको इमोशनली कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये गाना जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है कपल्स के लिए, और दोस्तों साथ ही साथ जिनको सैड सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग पसंद है उनके लिए भी। तो दोस्तों, दूरिया सॉन्ग को जो है आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा, जैसे कि आप लोग बी पराग के दूसरे गानों को अपना प्यार देते हैं और सपोर्ट करते हैं, उसी तरह दोस्तों दूरिया सॉन्ग को भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही बी पराग के नए नए गानों के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी अलग अपडेट में, किसी अलग नए वीडियो में। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।